राजस्थान के झुंझुनू स्थित कोलिहान खदान हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया है। बीती रात यहां HCL की खदान में लिफ्ट मशीन 1800 फीट नीचे गिर पड़ी थी, जिस कारण विजिलेंस टीम समेत 15 अधिकारी लिफ्ट के अंदर फंस गए। लिफ्ट में फंसे 14 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन एक अधिकारी उपेंद्र पांडे की मौत हो गई। अब खदान के अंदर फंसे 150 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ओर से 1967 में यहां तांबा खनन शुरू किया गया था। 24 मिलियन टन अयस्क यहां से निकाला जा चुका है, इसमें 16 मिलियन टन खनन किया जाना अभी बाकी है। स्थानीय वर्कर्स ने बताया कि खदान काफ़ी गहरी है, यहाँ 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लिफ्ट नीचे जाती है। लिफ्ट से ही अंदर जाया जा सकता है, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ये लिफ्ट लोहे के रस्सों पर चलती है, आने जाने के लिए 2 अलग अलग लिफ्ट हैं। खदान में जाने से पहले हर मजदूर की मेडिकल जांच की जाती है, इसके बिना अंदर खदान में जाने की अनुमति नहीं है। खेतड़ी तांबा खदान में कर्मचारियों की 2 जगह हाजिरी होती है, खदान में प्रवेश करने पर भी और बाहर निकलने पर भी, ताकि कर्मचारी के सुरक्षित होने का पता चल सके। देर रात 1 बजे मौके पर पहुंचे नामकथाना कलेक्टर शरद मेहरा ने बताया कि फिलहाल सब कुछ नॉर्मल है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, छोटी मोटी इंजरी हो सकती है, किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। SP प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि 1 से 2 घंटे से सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा। खेतड़ी के विधायक धर्मपाल गुर्जर ने बताया कि प्रशासन की ओर से पहले से ही बाहर एम्बुलेंस और डॉक्टरों का इंतजाम किया गया है, घायलों को तुरंत मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।